वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पाइथन कोर्स की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, और इसके साथ साथ हम एक कोड एडिटर भी डाउनलोड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया। आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है डाउनलोड पाइथन। अब आपको फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकें। अब आपको डाउनलोड पाइथन के ऊपर क्लिक करना है, और हमारे पाइथन की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें एक कोड एडिटर भी डाउनलोड करना है, जिसका नाम है VS Code। फर्स्ट लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप मैक के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं विंडोज़ यूज़र हूं, तो मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। पाइथन के डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, और हमारे VS Code की डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसके ऊपर ज़रूर चेक लगाना है @python3.92path। इसके ऊपर आपको ज़रूर चेक लगाना है, और इसके बाद हमें क्लिक करना है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, उसके बाद नेक्स्ट। अब आपको इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स पे ज़रूर क्लिक करना है, अगर आप पाइथन को सभी यूज़र्स के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं जो आपके पीसी में है। मैंने इसके ऊपर टिक लगाया और इंस्टॉल। अब आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसे यस करें और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा अब तक इंस्टॉल हो जाएगी। VS Code का सेटअप भी डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, VS Code का सेटअप ओपन हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर क्लिक करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट। अब आपसे लोकेशन पूछेगा, आप इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज पे क्लिक करके, लेकिन मैं नहीं चेंज करूँगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, अब आपको इसके ऊपर ज़रूर चेक लगाना है ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसके ऊपर और इसके नीचे वाले ऑप्शन पे ज़रूर चेक लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स, VS Code इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ और ये लॉन्च हो जाएगा। सो फ्रेंड, VS Code हमारा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊँगा, वो है पाइथन की। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें बहुत आसानी रहेगी पाइथन पे कोड लिखने के लिए। अब आपको सिंपली टाइप करना है पाइथन, और यहाँ पर फर्स्ट एक्सटेंशन जो होगी इसको हमें क्लिक करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पाइथन अभी हमारी इंस्टॉल नहीं हुई है, इसके अंदर भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक के लिए मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं पाइथन इंस्टॉल हुई या नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और यहाँ पे सिंपली टाइप करें पाइथन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपके पास कोई भी एरर आ रहा है पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।